आखिरी समय का पता लग जाता है क्या? क्या करोगे? चलो आपको पता चल गया तो तब भगवान का ध्यान कर लेंगे हम, नहीं? अगर अगर हाँ, अगर हमें पता ही नहीं चला आखिरी समय आ जाएगा तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम है। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं तस्मात सर्वेषु कालेषु। आप ये सोचो कि हर क्षण मेरा जीवन का आखिरी समय है। आप ये मत सोचो कि मुझे पता चल जाए मैं कब मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं आपको ये सुविधा क्यों प्रदान करूँ? आप तस्मात सर्वेषु कालेषु, आप हर समय मेरा स्मरण करो ना, मेरा ध्यान करो। जब हर समय ध्यान करोगे तो ऑटोमेटिकली स्वतः मृत्यु के समय ध्यान आ ही जाएगा भगवान का। फिर उसके लिए आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? फिर कोई आवश्यकता नहीं है। और हम आखिर हम भगवान से ऐसी सुविधा की हम भगवान से प्रार्थना करें क्यों कि हमें बताओ? अगर पता चल गया ना तो जो थोड़ा बहुत आप निश्चिंत होकर जीवन बिता रहे हो वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर तो 24 घंटे ये दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, भगवान का स्मरण भी छूट जाएगा और 24 घंटे यही सोचते रहेंगे, ओह अब तो 2 साल ही रह गए, ओह अब तो 10 साल ही रह गए मरने वाले हैं। फिर तो ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये मत सोचो, शॉर्टकट लगाने की आवश्यकता नहीं है कि चलो ये पता चल जाए भगवान, हे भगवान ये बता दो कब मरने वाले हैं, उस समय स्मरण कर लेंगे। सारे कार्यों को अपने जीवन को ऐसे एडजस्ट करो, ऐसे अरेंज करो अपने जीवन को कि हर समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे। आप बोलो कि काम करते समय भगवान का स्मरण नहीं आ पा रहा, जब हम जॉब करते हैं घर के काम करते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं आ पा रहा, अरे इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि जब आप जप करोगे तो चलो स्मरण हो सकता है आप कर ही लो, लेकिन काम करते समय मेरा स्मरण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है। और मृत्यु के समय ये जो डिफ़िकल्टी है, ये जो कठिनाई है, हज़ारों गुना अधिक बढ़ जाएगी। तो अगर आप आज काम करते समय मेरा स्मरण नहीं कर पा रहे तो मृत्यु के समय जब बहुत ही अधिक कठिन समय होता है उस समय कैसे स्मरण कर पाओगे? तो इसीलिए आज जब करते समय स्मरण तो करना ही है, भगवान का ध्यान करना ही है, लेकिन अपने जीवन के जितने भी और कार्य हैं, बच्चों का ध्यान रखते समय, खाना बनाते समय, जॉब करते समय, व्यापार करते समय भी, पढ़ाई करते समय भी भगवान का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। डिफ़िकल्ट है, कठिन है, लेकिन आवश्यक है, वो करना पड़ेगा हमें। अगर हम वो नहीं करेंगे तो मृत्यु का समय हम भगवान का स्मरण करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी हमें। ठीक है, धन्यवाद। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको ये रिक्वेस्ट है, जैसे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आपने बहुत ध्यान से सुना और आप उसके ऊपर सोच भी रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो और दिमाग में क्वेश्चंस खड़े नहीं हो जाए। तो जैसे आप अपने स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर्स अटेंड करते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, कई क्वेश्चंस निकल के आते हैं, आप टीचर से पूछते हो, बिल्कुल इसी स्पिरिट में, उसी भावना से इन लेक्चर्स को सुनना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म विषय है। इसको जब तक बहुत गंभीरता से हम नहीं लेंगे तब तक समझना बहुत मुश्किल है। अर्जुन को आप देखो कि अर्जुन ने भगवद गीता में भगवान से कितने प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछना इस बात को दर्शाता है कि आप उस विषय के बारे में गंभीर हो, आप समझना चाहते हो उस बात को। और ऐसा नहीं होता कि वो ये प्रश्न पूछ लिया वो क्या सोचेंगे। हर प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर आपके माइंड में कोई प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न आपका पूरा जीवन, आध्यात्मिक जीवन उस पर टिका हुआ है। जब तक उस प्रश्न का समाधान नहीं होगा, आंसर नहीं मिलेगा, तब तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि
मत्तः स्मृतिर अपोहनम चा, मुझसे ही याद रखने की और भूलने की क्षमता आ जाती है। आप पिछले जन्म की बात करते हो, आप इस जन्म को, इस जन्म की सारी बातें थोड़े ना याद है हमें, भूल जाते हैं हम, भगवान भुला देते हैं हम। आपका जो प्रश्न है कि हम, अगर हमें भी जैसे भरत महाराज को याद थी पूर्व जन्म की बात, अगर हमें भी याद होती तो जो भरत महाराज ने अपनी गलती सुधार ली, हम भी सुधार लेते। लेकिन हम इस जन्म की बातें भी भूल जाते हैं, हमें याद नहीं है, हम भूल चुके हैं कि हम जब माता के गर्भ में थे 9 महीने तक, और एक छोटी सी थैली में उकड़ू हम बंद थे हम, और हमें तरह तरह के कीटाणु हमें लगातार काट रहे थे, और जब माँ कोई तीखा भोजन करती थी तो हमारी कोमल त्वचा कटती थी उससे, हम जोर जोर से रो रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। हम तो उसको भी भूल गए। आप पिछले जन्म की बात क्या कर रहे हो? बचपन से लेके आज तक हमने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, भूल चुके हैं हम, अब याद नहीं है। हमारे माँ बाप को हो सकता है हमारी बहुत सारी बातें याद हो, हमें नहीं याद। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान, अगर हमें हर चीज़ याद रहेगी, कितनी कठिनाइयाँ हमने सामना किया हमने, अगर हमारी चेतना अगर बहुत उन्नत नहीं है तो हम लोग विचलित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग भगवान के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, कितनी सारी हमें, क्यों हम भगवान को दोषी ठहरा सकते हैं कि आपने इतनी सारी प्रॉब्लम से हमें डाला आपने। जैसे पीछे दिल्ली में ये कोरोना के लॉकडाउन के चलते एक व्यक्ति था, कबाड़ी का काम था उसका, ऐसा नहीं टाटा बिरला था, कबाड़ी का काम था, ख़त्म हो गया उसका काम, सड़क पे आ गया वो। तो उसने कहा ये भगवान के कारण हुआ है, मैं बदला लूँगा। मंदिर में गया, एक उसके घर के पास ही एक मंदिर था, वहाँ गया और जो है भगवान के जो है दुर्गा देवी की मूर्ति तोड़ दी उसने, मैंने बदला ले लिया। ऐसा विचार आ सकता है मन में? और अगर हमारे मन में हर बात अगर हम याद रखेंगे तो जीवन जीना मुहाल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जीवन को जीना। भगवान भुला देते हैं कि आप हर जीवन के हर पड़ाव पर आप शास्त्रों के अनुसार निर्णय लो, पीछे क्या हो गया उसको छोड़कर। भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में बात करते हैं कि अगर एक व्यक्ति है, सपोज आप हो, आप ही की बात करते हैं, आपने ये प्रश्न पूछा ना, आप हो, आप चल रहे थे, चलते चलते आप अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गए, 7-8 फुट गहरे गड्ढे में गिर गए आप, सपोज 10 फुट गहरे गड्ढे में गिर गए। अब प्रश्न ये है कि उस समय आपका कर्तव्य क्या है? उस समय क्या आप इस बात पर सोचोगे कि कैसे गिर गए इस गड्ढे में, या ये सोचोगे इससे बाहर कैसे निकला जाए? तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि जो गड्ढे में घिरा हुआ व्यक्ति है उसका कर्तव्य है कि भाई तू गड्ढे से बाहर निकलने के बारे में सोच। हम गड्ढे में कैसे गिरे, कब गिरे, क्यों गिरे, इसका विचार करना अभी कर्तव्य नहीं है हमारा, अभी इस बारे में मत सोचो। वो सोचने से क्या होगा, आपको पता चल गया कि आप गड्ढे में कैसे गिरे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कर्तव्य है उस गड्ढे से आप बाहर निकलो। बाहर निकलने से क्या होगा? पहली बात है कि मुक्त होना कर्तव्य है। बाहर निकल गए आप, चलो जान बच गई, गड्ढे के अंदर गिरे रहते मर जाते। बाहर निकल गए आप,
जब आप गड्ढे से बाहर निकलोगे तो आपको दिख जाएगा कि आप गड्ढे में कैसे गिरे थे। आपके उस गड्ढे में गिरने के सारे सबूत जो हैं वो गड्ढे के बाहर मौजूद हैं, विद्यमान हैं। जब आप बाहर निकलोगे आपको दिख जाएगा, तब उस समय आप देख लेना कि हम क्यों गिरे थे गड्ढे में, तो आपको पता चल जाएगा, आपको पिछले जन्म अपने सब दिख जाएंगे आपको। अभी ये जो भौतिक जगत रूपी गड्ढे में हम गिरे हैं, इससे में हमारा कर्तव्य है, इससे बाहर निकलो किसी तरीके से। बाहर निकलेंगे आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उसका यूं समाधान हो जाएगा, उसको सब चीज़ें आपको एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाएंगी, आपको मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी आपके। लेकिन आज इस बात पर समय लगाना, इसके इस बारे में सोचना आपका कर्तव्य नहीं है, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा आपको, कोई लाभ नहीं है इसके बारे में सोचने। सारी ऊर्जा, अपनी सारी एनर्जी ये भौतिक जगत रूपी गड्ढे से बाहर निकलने में लगाओ, तो आपको हर चीज़ एकदम दिख जाएगी कि हम क्या कर रहे थे, क्यों गिरे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ गलती हुई थी हमसे, सब दिख जाएगा।